सो हेलो फ्रेंड्स, और यूपीपीसीएस 2019 के 20 दिन करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज 11वां दिन है और हम लोग करंट अफेयर जो है सितंबर महीने 2019 का आज डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे, साथ साथ उसके एमसीक्यूज को भी देखेंगे। तो माई सेल्फ निहित किशोर, सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। आज हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो गिटअप से जैसा कि हम कंपाइलेशन लेते हैं वहीं से मैंने फिर से उठाया है, तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बैंकिंग से आपको बताया था कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि एमएसएमई का जो लोन है, रिटेल लोन और एमएसएमई लोन है, उसको आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया है कि 1 अक्टूबर से उसको आप लोग को हर बैंक को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जोड़ना होगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ मतलब कि जो भी आरबीआई के मेजर रेट्स होते हैं, पॉलिसी रेट जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, ट्रेजरी बिल, ये सारे रेट जो होते हैं इनके साथ किसी भी एक के साथ आपको अपने लोन्स को लिंक करना है, ताकि अगर उनमें आरबीआई कोई चेंजेस लेकर आती है तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में अपने आप ही चेंजेस आ जाए। अभी के टाइम पे क्या है कि बैंक्स जो है आरबीआई के चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में या ट्रांसमिशन में बहुत टाइम लगा देती हैं, तो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी जो कस्टमर से उनको फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि 1 अक्टूबर से आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क से अपना जो लोन रेट है दैट है आपको उसको लिंक करना ही पड़ेगा। ओके, उसके साथ साथ आरबीआई ने सोचा है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इसके लिए, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको आँख से देखने में प्रॉब्लम होती है उनको, ताकि वो करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई कर सके ठीक से। तो आरबीआई इसके लिए एक ऐप बनाने की बात कर रहे हैं। फिर साथ साथ इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, ओके, तो उसने आधार इनेबल पेमेंट सर्विस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और ऑलरेडी हमने इसको और भी देखा हुआ था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की बात की है। हमने ऑलरेडी लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में इस चीज़ को देखा था। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ही रहा है। उसके बाद जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए उसको कम करने की बात कही है। जो डोमेस्टिक जो भी कॉरपोरेट्स हैं और जो कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये बात जो है ये लोग कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स कम की जाएगी। देन नेपाल ने रिसेंटली 2500, 1000 और 100 रुपये के नेपाली करेंसी जो है नोट्स, उनके ऊपर गुरु नानक देव की फोटो के साथ उनको एज अ ट्रिब्यूट, उनके 550th बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक ने इशू किया था। ऑबिचुअरीज हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। लास्ट मिनट रिविजन में आपको वो सारी चीज़ें देखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सेप्टेम्बर को इस साल से राष्ट्रीय पोषण माह की तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, तो इस बार का राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो पोषण अभियान के अंदर जो स्कीम है पोषण अभियान, उसके अंदर इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। ओके, तो स्टंटिंग रेट चिल्ड्रन में जो है वो 35 से 25% लाने की बात है 2022 तक, मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करने की बात है। तो ये जो है पोषण माह सितंबर में मनाया जाएगा, और इस बार का जो थीम है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 21 सितंबर को वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और 15 ही सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर 26 सितंबर इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ओके, और कंफ्यूजन नहीं हो आपको रखना है कि नेशनल मैरीटाइम डे है वो 5 अप्रैल है, तो इंडिया का जो मैरीटाइम डे है वो 5 अप्रैल को लोग मनाते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो 26 सितंबर इस बार मनाया गया, बिकॉज जनरली इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ सेप्टेम्बर, तो जब भी होगा वो उस दिन मनाया जाएगा। नाउ वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया, और इसमें जो है आंध्र प्रदेश इट हैज बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म कैटेगरी, और गोवा और मध्य प्रदेश जो थे वो ज्वाइंट विनर्स थे किसमें, एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। ओके, वर्ल्ड हार्ट डे इज 29 सितंबर।
न्यू अपॉइंटमेंट्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे इंडिया के लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। नाउ ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो पुराने एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे प्रदीप कुमार सिन्हा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिंसिपल एडवाइजर जो है नरेंद्र मोदी का बनाया गया है। फिर जो आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो पी लक्ष्मणा रेड्डी जो रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं उनको बनाया गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 23rd जो है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो टोटल स्ट्रेंथ थी पहले 30+1 थी, दैट इज 30 जजेस एंड 1 CJI, अब इसको 33+1 कर दिया गया है। तो 3 और जजेस का अपॉइंटमेंट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद इंडिया से इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर बात करें तो वेंकैया नायडू ने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश में लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल है उसका कंट्रीब्यूट मतलब उसको डेडिकेट किया है पूरे देश को, जो चेरलोपल्ली और रायपुरु के बीच में है ये टनल, ये लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल है आंध्र प्रदेश में, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। नितिन गडकरी जो है यूनियन मिनिस्टर उन्होंने हैज अनाउंस टू यूज द टाइनी अर्दन पॉट्स जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, तो इनको 400 रेलवे स्टेशन पे इसमें टी सर्व करने का उन्होंने इसको यूज करने के लिए बोला है। ओके तो ये डोमेस्टिक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट एंड डोमेस्टिक हमारे स्मॉल बिल्कुल स्मॉल आर्टिसंस वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप है। फिर जो 14 COP हुई है किसकी, UNCCD की, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका 14वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है ग्रेटर नोएडा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद युद्ध अभ्यास जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और US के बीच में है, तो ये आपको याद रखना है, और ये अभी वॉशिंगटन में कंडक्ट हुआ है, ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे इंडिया और US में कंडक्ट होता है। ठीक है, नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है उसने CBSE के साथ पार्टनरशिप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कूल्स में प्रोवाइड करने की जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट करी। ओके फिर सिलीनेक्स जो है सिलीनेक्स 2019 ये इंडिया श्रीलंका का मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन रेलवेज हैज ऑब्जर्व द स्वच्छताही सेवा पखवाड़ा फ्रॉम 11 सितंबर टू 2 अक्टूबर इन कंट्रीब्यूशन टू द स्वच्छ भारत अभियान मिशन। फिर पहला कॉन्फ्रेंस जो है मिलिट्री मेडिसिन के ऊपर जो SCO का है, शंघाई कॉरपोरेशन स्टेट्स जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनका हुआ अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये फर्स्ट था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से पहला हेलीकॉप्टर समिट जो है वो भी देहरादून में अभी हाल ही में हुआ है। उसके बाद मोतिहारी अमेलखंज पाइपलाइन जो है ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिसेंटली PM मोदी एंड KP ओली जो PM नेपाल के हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जॉइंटली जो मोतिहारी से अमेलखंज, मोतिहारी जो इस चंपारण के हेडक्वार्टर से वहां से अमेलखंज की पाइपलाइन का इनॉग्रेशन कर दिया है। इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ और ये सिर्फ 15 महीने में कम्प्लीट हुआ है। जो टाइमलाइन जो आपको ये था प्रपोज था दैट वॉज 30 मंथ्स, तो हाफ टाइम में ही इसको कम्प्लीट करके डेडिकेट ऑलरेडी कर दिया गया। फिर PM ने झारखंड से जो हमारा श्रम योगी मानधन था उसी के बेसिस पे किसान मानधन योजना जो है वो लॉन्च किया है। ये किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उनको 3,000 रुपये पर मंथ जो 60 साल के बाद प्रोवाइड कराने की मिनिमम बात कही गई। उसके बाद DRDO ने जो है नेत्र दैट इज द सेकेंड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये हैंड ओवर कर दिया है हमारे एयरफोर्स को। ठीक है, तो नेत्र क्या है अगर क्वेश्चन में पूछे तो इट्स इज अ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज लेट मी सी, तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में INS खंडेरी को कमीशन किया गया, साथ साथ
P-17 जो शिवालिक क्लास फ्रिजेट हैं ओके नीलगिरी एंड द एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राइडॉक, ये दोनों को इंडियन नेवी में आपको एक साथ कमीशन किया है, जिसने हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह ने ओके। फिर यूएस जापान और इंडिया की जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम की, उसको मालाबार बोलते हैं, वो अभी हाल ही में पैसिफिक ओशन में हुआ। स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, सी प्लान ऐप जो है ये यूपी पुलिस की एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं पूरे स्टेट में उनको उनके ऊपर नजर रखने के लिए और उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह को ध्यान में रखने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद जो सेकंड फ्लावर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम में जो होता है, वो इस बार ओटी होस्ट करने वाली है ओके। फिर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ही वाज द स्पेशल इनवाइटी। बेसिकली स्पेशल इन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो रशिया के फार ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए एक फोरम बनाई गई है रशिया के द्वारा, तो उसमें इंडिया इस बार पार्टिसिपेंट स्पेशल इनवाइटी थे एंड पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द रशियन फार ईस्ट ठीक है। देन मैत्री, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, वो मैत्री है, वो इस बार मेघालय में हुआ अभी। देन डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग जो है उसमें इंडिया की रैंक है वो 44th है डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग्स में ओके। फिर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है अभी यूएन में हाल ही में नरेंद्र मोदी को मिला है ओके। और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, उनके द्वारा ये स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया जाता है जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो ग्लोबल गोल्स के टुवर्ड्स कमिटेड दिख रहे हैं उनके लिए। उसके बाद नाउ विंग कमांडर अंजलि सिंह हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द इंडियन मिशंस अब्रॉड। तो दिस इज व्हाई इट इज दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने इंडियन एम्बेसी रशिया में ज्वाइन किया एज अ डिप्टी एयर अटैच ओके। तो अभी तक सिर्फ मेल ऑफिसर जो थे वो तीनों सर्विसेज से अपॉइंट होते थे एज अ मिलिट्री अटैचेस इन ओवरसीज इंडियन मिशंस, बट सी एंड डेफिनेटली दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम बिहार। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंजलि सिंह है कौन है। तो ये पहली इंडिया की फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट है जो कि इंडिया के मिशन में अब्रॉड पोस्टेड हुई है ओके। और ये बिहार से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। She has been trained on MiG-29 aircraft. शस्त्र रामानुजन प्राइज 2019 का है वो एडम हार्पर को मिला है। रामानुजन प्राइज जो है वो बेसिकली मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है ओके। कोचिन एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया है पूरे इंडिया में। स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है स्पोर्ट्स न्यूज़ जब तक कि इंडिया कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अचीवमेंट हासिल ना करे तब तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ को स्किप करेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम अभी चल रहा है और इस टाइम पर हम लोग फालतू की चीज़ें डिस्कशन करने से बढ़िया है कि हम लोग टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही डिस्कस करें ओके। सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस। तो आपको जैसे पता भी जैसे बताया राष्ट्रीय पोषण माह, तो इसका थीम हमने अभी देखा था कि हमारा थीम क्या है, इसका हमारा थीम है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ओके। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर जो है उसने अमेजोन के साथ पार्टनरशिप कराया है और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म ओके। ये जो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल हमने बताया वो आंध्रा में,
फिर मेघालय ने रिसेंटली वॉक टू वर्क कैंपेन को एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है, तो वॉक टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो टोटल 400+ क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है कि आप फिल्टर आउट करनी है चीजें, जैसे ये ऑबिचुरी मैंने बोला जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, समवन डाइड, तो आपको इनको स्किप करना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च विच प्रोग्राम अंडर विच अ वोटर फ्रॉम ईच फैमिली विल गेट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो है उन्होंने फर्स्ट एवर टेरा कोटा ग्रिंडर जो है वो लॉन्च करा है हाल ही में वाराणसी में, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तो क्वेश्चंस को फिल्टर आउट भी करना जरूरी है। फिर हाल ही में यूक्रेन के जो नए 17 प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ओलेस्की होनचारुक को बनाया गया है। जो 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमने बोला वो ग्रेटर नोएडा भी होस्ट हुआ। फिर समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, बेसिकली ये इंडियन ओशन के अंदर रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट है, ये लोगों को डीप सी में भेजेगी, ठीक है, इन अ सबमर्सिबल व्हीकल, जो भी सबमरीन टाइप के व्हीकल होते हैं, टू बी अ रियलिटी इन 2021-22 विद समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो है जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड किस स्टेट ने अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया, उड़ीसा ने सबसे पहले, तो आपको आइडिया लगाना है कि 400+ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उनमें से जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ही आप ध्यान देंगे। और अभी तक इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको इजीली पता चल गया होगा विच न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट, जैसे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ओके। और अगर मैं बताऊँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ICICI बैंक ने रिसेंटली एक रोबोटिक आर्म्स को डिप्लॉय किया है टू काउंट द करेंसी नोट्स, बट ये भी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक बार को।